एक शादी का पैगाम आया, उनकी बेगम का, कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेजी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा ये नहीं पढ़ा जाता, ऐसे बोल रहे हैं नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालदैन में कौन जिंदा है, कहा जी माँ जिंदा है। हमने कहा बुलाओ, कि माँ आ गई। आपने कहा तुम इससे नाराज हो, कहा जी नाराज हूं। क्या नाराजगी है, कहा या रसूलल्लाह बदतमीजी से बोलता था बस, और कोई नाराजगी नहीं, बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, मुझसे बोलता है तो सख्त होकर बोलता, रैश होकर बोलता। तो आपने कहा माफ करती हो, कहा नहीं मैं नहीं माफ करता। तो आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूं फिर सिफारिश करोगे, कहा हाँ फिर तो करोगे। कहा अगर तूने माफ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देगा। उन्होंने कहा नहीं मैं माफ करती हूँ। जब माने कहा मैं माफ करती हूँ, आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया और फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर जमीन आसमान की लानत, उनकी ना नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है। एक सहाबी का पैगाम आया, उनकी